अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स हमारे पास कोई ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जैसे हमारे पास है वाई डैश प्लस वाई साइन एक्स। तो वाई डैश है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। जो डेरिवेटिव हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट लिया है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिंगल है। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स होंगे तो उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास जो हैं एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट पे हम देखें तो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, ओनली वन है। तो हमने यही देखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इसमें हम देखें तो इसका भी जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट है, ये भी हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल होगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें जो वेरिएबल है ना वाई एंड एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों। अब इनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओनली टी है, ठीक है। यहाँ पर टी इज़ ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वही बात है कि हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डेरिवेटिव होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो यू है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है y। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल हैं ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। इसी तरह से इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो रहे हैं वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे हैं। अब एक तो हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस वीडियो में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मज़ीद हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई टॉपिक लेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।